शिवपुरी के पिछोर में एक कार्यक्रम में समाजवादी नेता उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी से समाजवादी कार्यकर्ताओं में खासा आक्रोश पनप रहा है। जहां कार्यक्रम के दौरान तेलंगाना के विधायक के साथ कार्यक्रम में मौजूद विधायक प्रीतम लोधी ने नेताजी पर जो टिप्पणी की उससे अब उनके खिलाफ कार्यवाही की मांग प्रमुख होने लगी। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने पूरे मामले में ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम प्रशासन को सौंपा है, जिसमें दिवंगत नेता और हर वर्ग की हित की लड़ाई लड़ने वाले स्वर्गीय मुलायम सिंह के प्रति ऐसी घृणित सोच के साथ की गई टिप्पणी से समाजवादी कार्यकर्ताओं सहित आम जनमानस की भावनाओं को ठेस पहुंची है और सभी में रोष व्याप्त है, जिसके चलते ऐसे विधायकों के खिलाफ सख्त कार्यवाही होना चाहिए और उनकी सदस्यता रद्द हो इसकी मांग रखी जा रही है। मामले में कार्यवाही न होने पर समाजवादी पार्टी ने प्रदेश स्तर पर प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। आज हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है प्रदेश व्यापी आंदोलन करता है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले 25 तारीख को टी राजा ने पिछोर में हमारे नेताजी श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के खिलाफ कुछ टिप्पणी की है, इसलिए हमने मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन दिया है कलेक्टर महोदय के द्वारा कि उन टी राजा विधायक जी के ऊपर FIR मतलब दर्ज की जाए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी से कड़ी मतलब उनको अनुशासन के तहत उनको पनिशमेंट दिया जाए। ऐसा क्या था टिप्पणी में जिसको लेके आपने उन्होंने टिप्पणी में मुलायम सिंह के लिए कुछ अभद्र बात कही है जो कहना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर हिंदुस्तान में रहते हैं और सभी धर्म का पालन हम लोग करते हैं। वो आप लोगों ने देखा, मीडिया ने दिखाया हुआ है, उनने मतलब ऐसी टिप्पणी की है कि कुछ जाति विशेष में भी प्रभाव पड़ता है, इसलिए हम लोग ये बात नहीं कहना चाहते। हम लोग समाजवादी लोग हैं, हम लोग शोषित दलित पिछड़ों को सभी को साथ पर लेकर चलते हैं। नेताजी हमारे आदर्श हैं, हम उनके लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हम उनकी इस टिप्पणी को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी भी आक्रोशित रहेंगे, क्योंकि नेताजी से हमें काफ़ी स्नेह मिला हुआ है और नेताजी के कारण ही हम लोग पार्टी में हैं। अगर आपकी डिमांड पूरी नहीं होगी तो फिर क्या करना है? अगर हमारी पार्टी की समाजवादी पार्टी की डिमांड नहीं होती है पूरी, तो समूचे मध्य प्रदेश में उग्र आंदोलन होगा। वो आंदोलन रुकने वाला नहीं है, क्योंकि नेताजी हमारे नेताजी वो नेताजी थे जिसने कभी झुकना नहीं सीखा, उसका नाम मुलायम है और हम समाजवादी पार्टी के आदर्श थे और हमारे नेताजी जब किसी के सामने कभी झुके नहीं हैं, जनहित कार्य में आगे रहे हैं, हम लोग भी कभी झुकने वाले नहीं हैं। ये इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात चंद नारों के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। नेताजी हमारा है।